वो तो समय बताएगा कौन गठबंधन जीतेगा, लेकिन वो निश्चित तौर से जो तिकड़म करते हैं उसमें कभी इस कंधे पर कभी उस कंधे पर, तो सही समीकरण अभी आया है और सही पहचान भी इनकी हो गई है। अब पता चलेगा कि कौन जीत करके आएगा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन बहुत ही स्मूथली तरीके से काम कर रहा है। आने वाले मुंबई बैठक में सीट शेयरिंग पर बात होगी। हमारे साथ है LJP रामविलास के उपाध्यक्ष अरुण कुमार जी। सर, नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि जो BJP और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बना है वो बहुत ही स्मूथली से चल रहा है, आने वाले समय में सीट शेयरिंग पर भी बात हो सकता है। क्या आपको लगता है वहाँ सब कुछ ठीक है धीरे धीरे? देखिए, बिहार की स्थिति बहुत ही संकटग्रस्त है और नीतीश जी की स्थिति भी वैसी ही है, संकट में है। अब ऐसी परिस्थिति में वो क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, उसका क्या अर्थ है, अब हम उस पर इत्वार नहीं करते। और जो मानसिक स्थिति भी उनकी बन गई है वह कहीं न कहीं उसका प्रभाव भी है, जिसके वजह से पूरा राज्य आज संकट में है, अपराध चरम पर है। और जिस राज्य में अपराध चरम पर है वहाँ वह स्टेट इस हालत में आज खड़ा हो गया है कि कौन गवर्न कर रहा है, कैसे चल रहा है यह भी पता नहीं है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, व्यभिचार हो रहा है, सारी अराजक स्थिति में राज्य पड़ा हुआ है। जहाँ चिंतन मनन राज्य के संबंध में होना चाहिए था, आज वो प्रधानमंत्री बन गए हैं ऐसा वो महसूस करते हैं। कभी कभी अपने सार्वजनिक भाषणों में भी बोलते बोलते ऐसा उद्बोधन किए हैं जिससे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और जब गलत सलाहकार हो जाएंगे, गलत दिशा हो जाएगा, तो निश्चित तौर से, चूंकि कल जिसको वो जंगल राज कहते थे उसी जंगल में वो मंगल मना रहे हैं। तो धारा तो दो ही है राज्य में, एक जंगल का एक मंगल का। तो मंगल के वातावरण का निर्माण निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश में हो रहा है और बिहार को भी वही संकट से निकालेंगे। उसमें हम सब लोग उनके सहयोगी हैं और स्थिति बिल्कुल अनुकूल है। प्रधानमंत्री ने जो स्टैंड लिया है वो निश्चित तौर से अस्पष्ट हो गया पार्लियामेंट में उस दिन कि जहां हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को बदलने का संकल्प लिया है उस नॉर्थ ईस्ट में आज पूरे विपक्ष को एक होना चाहिए था। हम 96 में वहाँ गए थे मोरे में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। समाजवादी धारा के लोग डॉक्टर लोहिया भी कहते थे कि रियल प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से देश को होने वाला है कल। लेकिन आज़ादी के बाद लंबे दिनों तक नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार रहा और इस उपेक्षा के वजह से जो स्थिति वहाँ बनी, तो हम 96 में की वाक्य बता रहे हैं कि 60-70 लोग हमारे साथ बिहार से भी गए थे, पूरे देश से समाजवादी लोग गए थे जॉर्ज के नेतृत्व में। वहाँ एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग और एंटी आर्म्स ट्रैफिकिंग वहाँ प्रदर्शन हुआ था, वहाँ के दीवालों पर लिखा रहता था इंडियन डॉग्स गो बैक, एलियन फील करते थे। तो निश्चित तौर से आज की जो स्थिति बनी है वह 9 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एक टर्न अराउंड हुआ है, अब उसको ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये बॉम्बे और बेंगलुरु की बात कर रहे हैं, अभी तो इनका अस्तित्व खतरे में है, तो राजनीति ही इनके चिंतन के केंद्र में है, मूल चीज़ें हट गई है दिमाग से। अभी तो विपक्ष को चाहिए था कि हम नॉर्थ ईस्ट की समस्या को एड्रेस करें, उससे भी वर्स्ट स्थिति बिहार में है। छोटी छोटी चीज को आप लेकर के जो आप सिर्फ राजनीति में अपने चिंतन के केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी आपको दिख रही है, तो उसके कई दावेदार वहाँ विपक्ष में हैं, आपको ये मिलने वाला नहीं है। लेकिन राज्य को तो बर्बाद कर ही दीजिएगा आप।
ये तो तय है। नीतीश कुमार अपने पुराने गठबंधन के दिनों को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो तो बीजेपी के साथ हमेशा से ही तैयार बैठे थे, लेकिन 2020 के चुनाव में एक एजेंट को खड़ा करके जेडीयू को नुकसान पहुंचाया गया। उनका इशारा चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर है। देखिए, बीजेपी ने उनको पैदा किया। हम तो समता पार्टी से हैं ना, हम तो उसके फाउंडेशन से हैं ना, इसलिए इसका ज्ञान उनको नहीं है। समता पार्टी के फाउंडेशन के लोग, संघर्ष के लोग ही उनके साथ नहीं रहे, धीरे धीरे आरजेडी के लोग उनके साथ आए। आज कितने लोग हैं जो संघर्ष के साथ थे, जो मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, उसमें कोई उनके साथ नहीं रहे। यहाँ मंजर लाल जैसे दिग्गज समाजवादी नेता को का टिकट उन्होंने काट दिया था। इनको परेशानी होती थी बड़ी ताकतों से, तो चाहे दिग्विजय सिंह हो, मंजर लाल हो, अरुण कुमार हो, तमाम जो संघर्ष के साथी थे वो सारे लोग किनारे हो गए। इसलिए बीजेपी की बात तो दूर रही, बीजेपी ने तो अपने गोदी में ले करके इनको आगे बढ़ाने का काम किया कि बड़े क्रांतिकारी हैं, बड़े प्रोग्रेसिव हैं, राज्य का स्थिति बदलेगा। और इनको 20 में पता चला, कई बार ढुलकनियाँ मारे तब पता चला। इसलिए ये शुद्ध अवसरवादी और ये नाटक, दारू पिलाए पूरे प्रदेश को, सब जगह माल कमाए उससे। अब जो माल की कमाई हो रही है दारू बंद करके हो रही है, तो उधर तो बिचवा है, लोगों को पियक्कड़ बनाए। अभी गांधी बनने का एक बैक उनको दर्शन हुआ, तो ये प्रयोग उनका जीवन का सबसे असफल प्रयोग है। और जिस तरीके से जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, बिलबिलाए चल रहे हैं, अब किसके कंधे पर चढ़ें? चूँकि भाजपा ने कह दिया मेरा दरवाज़ा बंद है, बहुत कंधा पर चढ़ लिए और बहुत खेले यहाँ से कर लिए, इसलिए आज की स्थिति में वो बिलबिलाए फिर रहे हैं। और जो बोलते हैं वो मानसिक संतुलन का विषय उसके अंदर की चीज़ नहीं लगती है, लगती है कि कुछ प्रलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी वाले नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2005 में जो स्थिति थी उस समय भी जेडीयू तीसरे नंबर में थी और 2010 में फिर हम लोग जीत के भारी मतों से आए थे। इस बार भी सेम स्थिति होने वाला है, 2020 में भले तीसरे नंबर पर है लेकिन 2024 और 25 में कौन गठबंधन जीतेगा? लेकिन वो निश्चित तौर से जो तिकड़म करते हैं उसमें कभी इस कंधे पर कभी उस कंधे पर, तो सही समीकरण अभी आया है और सही पहचान भी इनकी हो गई है। अब पता चलेगा कि कौन जीत करके आएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह लोजपा रामविलास के उपाध्यक्ष अरुण कुमार, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।